नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यश स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको पता है, कुछ दिनों पहले ही हमने आपके जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर है जो कि कोटा यूनिवर्सिटी के पैटर्न के आधार पर होने वाली है, उसकी मैथ्स की क्लासेस हमने स्टार्ट करी है, जिसमें सबसे पहले हमने आपकी जो यूनिट नंबर सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन गणित की बुक उसे स्टार्ट करा है, जिसमें जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है एसिम्प्टोट्स यानी अनंत स्पर्शी, सबसे पहले हमने इसे स्टार्ट करा जो कि लगभग 10-12 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आपके आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और आज इसकी थर्ड क्लास होने वाली। आई होप आपने इससे पहले की जो दो क्लासेस उसे जरूर देख लिया होगा, उन क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको आज की क्लास समझ में आने वाली। उन क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आई होप आप सभी स्टूडेंट्स जो हमारा ऐप है एआई स्टडी ज्ञान के नाम से उसे डाउनलोड कर लिया होगा, कि कुछ दिनों आपकी क्लासेस है वो यूट्यूब पर होगी, उसके बाद जितनी भी क्लासेस है वो हमारे ऐप में होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने डाउन नहीं करा है तो जल्दी से डाउन कर लीजिए, और ये जो पूरा कोर्स है उसे भी परचेस कर लीजिएगा। जो मैथ सब्जेक्ट का कोर्स हमने यहाँ पर आपके लिए दिया है जो कि कितने में होने वाला है आपका, हर वीडियो में आपको बताया जा रहा है, जो कि ओनली 199 रुपीज़ में आपका ये कोर्स होने वाला है, जिसकी कीमत काफ़ी कम रखी गई है। इसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, तो क्लासेस आपकी प्रोवाइड होगी जितनी भी क्लासेस है बीएससी सेकंड सेमेस्टर की यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी के पैटर्न के आधार पर होने वाली है। मैथ सब्जेक्ट की क्लासेस होगी, साथ में जैसे ही क्लासेस कंप्लीट होती है तो नोट्स की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, जो हैंड रिटन नोट्स है जो कि हमारे द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, वो नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। किस प्रकार से आपको नोट्स बनाना होता है उस पीडीएफ में आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसकी टेस्ट भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, जैसे आपका चैप्टर है हाफ कंप्लीट होता है पूरा कंप्लीट होता है उसके बाद आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कराई जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको केवल 199 रुपीज़ में प्रोवाइड होने वाली है, साथ में आप इसे ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए और फिर इसे बाद में आप आसानी से बाद में भी देख सकते हैं। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो जितने भी वीडियो है पीडीएफ है उनको डाउनलोड करके भी आप ऐप के अंदर रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले, ओनली 199 रुपीज़ में होने वाला है। और शुरुआत के जो 100 स्टूडेंट्स रहेंगे, अब इसकी काफ़ी कम सीटें बची हैं, तो जो शुरुआत के 100 स्टूडेंट्स है उन वो अगर Arun10 कूपन अप्लाई करते हैं, वहाँ पर आपको ऐप में दिख जाएगा Arun10 कूपन, जैसे अप्लाई करेंगे उस पर क्लिक करेंगे तो जो 199 रुपीज़ की प्राइस रखी गई है वो 179 यहाँ पर आपकी हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन ये कुछ ही दिनों तक आपकी होने वाली है, क्योंकि काफ़ी कम सीटें बच चुकी हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी इस कोर्स को परचेस कर चुके हैं। तो अगर अभी तक भी आपने नहीं करा है तो जल्दी कर लीजिए। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि सर आप एक वीडियो बना दीजिए जिसमें आप बताइए किस प्रकार से हमें जो कोर्स है परचेस करना है ऐप के थ्रू, तो हम वो उसका एक हमने श॔र्ट वीडियो आपके लिए बना दिया, आप जाके देख सकते हैं। 2-3 मिनट का आपका एक वीडियो तैयार किया गया है, उसमें हम आपको बताया कि किस प्रकार से आप जो कोर्स है उसे परचेस कर सकते हैं और उसके अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड होने वाले, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों जो दो क्लासेस हुई है उसकी थोड़ी समरी हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अनंत स्पर्शी यानी एसिम्प्टोट्स होती क्या है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था यानी उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था, दो प्रकार की होती है, समांतर अनंत स्पर्शी यानी पैरेलल एसिम्प्टोट्स और तिर्यक अनंत स्पर्शी यानी ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। और फर्स्ट क्लास में हमने समांतर अनंत स्पर्शी यानी पैरेलल एसिम्प्टोट्स से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस के ऊपर बात करी थी, और जो सेकंड क्लास है उसमें भी हमने समांतर अनंत स्पर्शी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस के ऊपर बात करी थी। साथ में हमने उस वीडियो में जो हमारा सेकेंड मेथड होता है ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स यानी तिर्यक अनंत स्पर्शी, हमने उसे स्टार्ट करा था, उसमें कौन कौन से मेथड होते हैं उसके बारे में हमने बात करी थी, उसके क्या रूल रहते हैं उसके बारे में हमने बात करी थी, और एक बुक के एग्जाम्पल के ऊपर भी हमने बात करी थी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आगे हो गए। अगर किसी स्टूडेंट्स को तिर्यक अनंत स्पर्शी यानी ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स के क्वेश्चन में दिक्कत आई हो तो आज आपकी जितनी भी यहाँ पर डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज इससे रिलेटेड ही आपकी क्लास होने वाली है। इसमें आज हम आपकी बुक के काफी सारे एग्जाम्पल आज हम यहाँ पर आपको कराने वाले, जिससे आपकी ये तिर्यक अनंत स्पर्शी यानी ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो आज क्लियर आपके हो जाएंगे। तो आज का यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, बुक का एग्जाम्पल है आपका, जो कि क्या है, वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए यानी फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व। इक्वेशन क्या दी हुई है हमें, जो कर्व की इक्वेशन यानी वक्र की समीकरण क्या दी हुई है कि y³ - x²y - 2xy² + 2x³ - 7xy + 3y² + 2x² + 2x + 2y + 1 = 0। हमारी ये इक्वेशन हमें यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले आप सबको पता है कि अगर इसमें हमें तिर्यक अनंत स्पर्शी यानी आपके जो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स है वो हमें अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि इसमें समांतर अनंत स्पर्शी यानी पैरेलल एसिम्प्टोट्स से वो एग्जिट करती है या नहीं करती, यानी विद्यमान होती है नहीं होती। वो कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले से आपको x के समांतर देखना है यानी पैरेलल टू x देखना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर क्या दी हुई है,
तो आप देंगे कि देखिएगा कि x की मैक्सिमम पावर यानी इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 आ रही, उसका कोफिशिएंट क्या है 2 दी, यहाँ पर आपके दिया हुआ है। और आप सबको अच्छी तरह से पता है कि 2 क्या होता है, आपके कांस्टेंट यानी अचर होता है, और अचर यानी कांस्टेंट में कभी भी अनंत स्पर्श यानी एसिम्प्टोट्स आपके विद्यमान नहीं होती, यानी एग्जिट नहीं करती। अब ऐसे ही आपको वाई के पैरेलल देखना होगा यानी वाई के समांतर, तो आपको देखेंगे वाई की मैक्सिमम पावर यानी डिग्री क्या दे हुई है, यहाँ पर 3 दी हुई है यानी वाई क्यूब, इसका कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ था यानी 1 है, और 1 भी क्या होता है आपके अचर यानी कांस्टेंट होता है। तो इससे यहाँ पर जो पूरी कर्व की इक्वेशन दी हुई है यानी इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें आपकी समांतर अनंत स्पर्श है यानी जो पैरेलल एसिम्प्टोट से आपकी एग्जिट नहीं करती यानी विद्यमान नहीं होती। तो सबसे पहले हम उसे लिख देते हैं यहाँ पर थ्योरी के रूप में, उसके बाद इसमें हम त्रियक एसिम्प्टोट यानी जो हमारा ओब्लिक एसिम्प्टोट से उसे हम अप्लाई करने वाले। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, एक्स वाई की अधिकतम घात का गुणांक अचर है, अधिकतम घात का गुणांक अचर है, अतः x व y अक्ष के समांतर, अतः x व y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है। और आप इसे यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखिएगा, द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को लिखना है द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ x and y इज अ कांस्टेंट, सो द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू x and y axis does not exit। ठीक है, ये थ्योरी थी जो आपको अच्छे तरह से याद कर लेना है, और जिसमें भी आपके समांतर अनंत स्पर्श यानी पैरेलल एसिम्प्टोट्स नहीं होती, सबसे पहले आपको ये थ्योरी लिखना काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती है। ओके, उसके बाद अगर आपको पता है कि इसमें समांतर अनंत स्पर्श यानी पैरेलल एसिम्प्टोट्स नहीं है, तो इसमें कौन सा अप्लाई करेंगे हम, कौन सा मेथड, त्रियक अनंत स्पर्श यानी ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रियक अनंत स्पर्श यानी ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। ठीक है, अब उसे किस प्रकार रखेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर अगर आपके ये नहीं है समांतर अनंत स्पर्श पैरेलल एसिम्प्टोट, तो हम त्रियक अनंत स्पर्श अप्लाई करने वाले। उसके लिए मैंने कल आपको रूल्स बताए थे, जहाँ पर आपको क्या करना होता है, पहले इसकी टर्म को देखना होगा, यहाँ पर ये कितनी टर्म है इसकी, यहाँ पर 3 टर्म है, यहाँ पर देखेंगे इसकी 2 आ रही है और ये 1, तो ये टोटल कितनी हो जाती है 3, हमें टोटल देखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक्स की कितनी है 1 और वाई की क्या है 2, तो ये टोटल 3 टर्म का, ये भी 3 टर्म हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, तो ये कितनी टर्म हो जाएगी 2 टर्म हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर और यहां तक ये क्या होगा आपका, यहां पर 3 टर्म का आपके आने वाला है, इस जगह पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा कि यहां से लेकर यहां तक ये क्या है 3 टर्म का है, उसके बाद ये 2 टर्म आ रही है, और y के ऊपर भी क्या है स्क्वायर, तो ये भी 2 टर्म का है, और यहां पर x के ऊपर क्या आ रहा है, यहां पर 2 आ रही है, तो ये भी 2 टर्म का हो जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 टर्म का होगा, यहाँ पर x की जगह क्या है 1 और y की जगह भी क्या है 1, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा ये 1 टर्म का होगा, और ये 1 क्या होता है आपका 0 टर्म का होगा। तो इस प्रकार से आपको अरेंज करना होता है, और यहाँ पर आपको x इक्वल टू तो क्या रखना है 1, और y इक्वल टू क्या रखना होगा m आपको रखना होगा। तो यहाँ पर रख सकते हैं आप पुटिंग ऑन द x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m। ठीक है, इसे किस प्रकार से रखेंगे, तो हाईएस्ट यहाँ पर टर्म क्या दी हुई है, हाईएस्ट टर्म इधर आप देखेंगे 3 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम 53m निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम 53m निकालने
वाले हैं। तो 5 3 m क्या होगा, आप देख सकते हैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखना होगा। तो m y की जगह m रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m क्यूब हो जाएगा, और x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह m, तो इसे टोटल सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर माइनस m आता है आपके, और यहाँ पर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 2m स्क्वायर आपके आ जाता है। ओके, उसके बाद क्या है, यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2 आ जाता है। अब इससे हम जो इसकी ऑर्डर के अकॉर्डिंग इससे यहाँ पर जमा देते हैं, आप देखिएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे नीचे रख देते 5 3 m, पहले यहाँ पर 3 पावर है तो 3 पावर को लिखना होगा, उसके बाद 2 पावर का कौन है, माइनस 2m स्क्वायर, फिर माइनस का m और ये प्लस का 2, इस प्रकार से इसे हमें अरेंज कर देना है। ओके, उसके बाद आप देखिएगा कि अब हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, 5 2m निकालना होगा, तो यानी ये निकलेगा यहाँ से, क्योंकि इन सबकी टर्म कितनी दी हुई है, इससे पद कितने दिए हुए, 2 दिए हुए हैं, तो यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह क्या रखना होगा, m रखना होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 7m आपके आ जाएगा, और यहाँ पर y की जगह क्या रखेंगे आप, m रखेंगे तो 3m स्क्वायर आपके आ जाएगा। तो m स्क्वायर यहाँ पर हाईएस्ट पावर दी हुई है, तो इससे पहले हम लिख देते हैं तो क्या लिखेंगे, 3m स्क्वायर लिख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या आया था, माइनस 7m आया था आपके, और यहाँ पर क्या आएगा, x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद हमें क्या निकालना है, 5 1m निकालना है, 5m, तो x की जगह क्या रखना होगा, हमें 1 रखना है और y की जगह m, तो क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 2m यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और 1 क्या होगा आपके, 0 टर्म का होगा, तो 5 0 5 0 जो कि क्या आता है आपके, 1 आता है। ठीक है, आई होप आपको इतना आ गया होगा। उसके बाद जो इसकी हाईएस्ट टर्म है यहाँ पर है 5 3m, इसको हमें क्या करना होता है, इक्वल हमें 0 रखना होगा, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 5 3m इक्वल टू 0 रखते हैं। तो यहाँ पर क्या दी हुई है हमें इक्वेशन, m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 2, इसको इक्वल 0 रख देते हैं। अब इसे सॉल्व करते हो, इससे क्या निकालने वाले हैं, हम m की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से होगा, यहाँ पर m क्यूब दे रखा है तो 3 ही हमारी क्या आने वाली है, m की वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पर इन दोनों में से सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, m स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो m स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m माइनस 2 आ जाएगा। वैसे इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, माइनस 1 को कॉमन लेंगे, माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर m माइनस 2 इक्वल आपके 0 आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब क्या होगा कि m माइनस 2 इधर भी आ रहा है उधर भी आ रहा है, तो दोनों को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो m माइनस 2 को हमने कॉमन ले लिया, जैसे कॉमन लेंगे तो ये इधर क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर आप देखें ये क्या चल जाएगा, आपके इक्वल आपके 0 आता है, फिर है m माइनस 2, और m स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी m प्लस 1 और m माइनस 1, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था जो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि क्या होता है, ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, तो वैसे ये होगा m प्लस 1 और m माइनस 1। अब इन तीनों को हमें क्या कर देना है, सेपरेट इक्वल 0 रख देना है। m माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी आपकी, आप देखिएगा m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर प्लस की 2। वैसे यहाँ पर m प्लस 1 को आप इक्वल 0 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, m इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ पर m माइनस 1 को आप इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, m इक्वल टू 1। यानी हमारी m की कितनी वैल्यू निकल के आती है, 3 वैल्यू आती है, जो कि क्या क्या आती है आपकी, 1 माइनस 1 और 2, ये 3 वैल्यू आपके निकल कर आ जाती है। अब m की वैल्यू तो 3 निकल के आ गई है, अब हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी होगी, c की वैल्यू निकालनी होगी। और c के लिए हम मैंने आपको 3 केसेस कल आपको बताए थे, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। और यहाँ पर आपको कौन सा केस अप्लाई होगा, तो आप देखिएगा तीनों m की वैल्यू कैसी दी हुई है, अलग अलग दी हुई, यानी ये सभी क्या है, नॉट इक्वल है। और जब सभी वैल्यू क्या हो, m की वैल्यू नॉट इक्वल हो, तो इसमें कौन सा केस अप्लाई होता है, जैसा कि कल के क्वेश्चंस में भी हुआ था, फर्स्ट यहाँ पर आपका केस अप्लाई आपके होता है, जब तीनों यहाँ पर आपकी जितनी भी m की वैल्यू हो सब कैसी हो, नॉट इक्वल आपके हो, तो इसमें हम कौन सा केस अप्लाई करने वाले, फर्स्ट केस अप्लाई हम करने वाले। तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में हम यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पर ऊपर का रफ कर देते हैं, तो जैसे कि आपको यहाँ पर फर्स्ट केस का यहाँ पर बता ही होगा, जो कि क्या था, c अपॉन में फैक्टोरियल 1 5। अब हाईएस्ट इधर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और इसका डैश यानी एक बार इसका अवकलन करना है, m प्लस में यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, इससे एक कम, तो क्या हो जाएगा 2
एम इक्वल टू जीरो, ये आपका फॉर्मूला होता है जो कि फर्स्ट केस का है। यहाँ पर बुकों में आपके एक और फॉर्मूला दिया होता है जो कि आपको ध्यान रखना है, इसी से बनाया हुआ, हालांकि जो कि क्या होता है आप देखिएगा C इक्वल फाइव टू एम अपॉन में, यहाँ पर माइनस का है, फाइव थ्री डैश एम। इससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, दोनों से कीजिए एक ही आंसर रहने वाला है क्योंकि इसी फॉर्मूले से ये बना है। किस प्रकार से बना है, फैक्टोरियल वन की वैल्यू आपको पता है वन ही होती है, तो इसे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या होगा, या फाइव टू एम उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो, फाइव थ्री डैश एम है वो कहाँ चल जाएगा, नीचे। तो यही फॉर्मूला आपके बन जाता है, आप दोनों में से कोई से भी अप्लाई इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या रखनी होगी, वैल्यूज आपको रखनी होगी, तो हम इससे अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पर सी अपॉन में, यहाँ पर वन की जगह बताइए, यहाँ पर फैक्टोरियल आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते, मैंने आपको पहले बताया था, फाइव थ्री डैश एम में हमें निकालना होगा, और हमें क्या पता है, फाइव थ्री एम पता है, तो सबसे पहले हमें फाइव थ्री डैश एम निकालना होगा। इसे किस प्रकार से निकालते हैं, तो इसे हम यहाँ पर ही अप्लाई कर देते हैं, फाइव थ्री डैश एम हमें यहाँ पर निकालना। आप जो ये वैल्यूज है उनको यहाँ पर साइड में भी लिख सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पर पता रहेगा कि यहाँ पर हमने ये इसमें अप्लाई करा है, ठीक है। तो 53m है ये वैल्यू है, इसका हमें क्या करना है, एक बार अवकलन करना है, यानी एक बार इसका डिफरेंशियल करना होगा, जो कि क्या होता है m क्यूब का क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू एम स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस फोर एम हो जाएगा, जो कि सिंपल डिफरेंशियल है यानी अवकलन है। माइनस एम का क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, और टू तो क्या होता है कॉन्स्टेंट, यानी यहाँ पर आपके क्या होता है अचर होता है, तो इसका अवकलन तो जीरो आता है। तो फाइव थ्री डैश एम हमारा क्या निकल के आता है, थ्री एम स्क्वायर माइनस फोर एम और माइनस वन यहाँ पर आपके आता है, तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट में, थ्री एम स्क्वायर माइनस फोर एम माइनस वन, ओके। और यहाँ पर देखिए प्लस फाइव टू एम, फाइव टू एम की वैल्यू क्या है हमारी, आप देख सकते हैं जो कि क्या है, थ्री एम स्क्वायर माइनस सेवन एम प्लस टू है, ओके। इक्वल किसके आ जाता है, जीरो की इक्वल आ जाता है, और ये क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर वन हो जाती है। अब जो हमारी इक्वेशन नंबर वन आई है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे तीनों एम की वैल्यू आई है उनको सेपरेट अलग अलग रखेंगे, उससे क्या निकालेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हमारी एम की कितनी वैल्यू है, तीन वैल्यू है, तो सी की भी कितनी वैल्यू आएंगी, तीन वैल्यू आएंगी, और एम और सी की वैल्यू की मदद से आपकी कितनी एस एम टोर्स निकल के आ जाएगी, तीन एस एम टोर्स यानी तीन अनंत स्पर्शी आ जाएगी। जब हम एम और सी की वैल्यू को किस में रखेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन यानी जो इक्वेशन यानी स्पर्श रेखा के समीकरण में रखेंगे, जो कि क्या होती है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। तो उसमें हमें यहाँ पर रखकर देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एम इक्वल टू क्या रखते हैं, वन रखते हैं, एम इक्वल टू वन पर। उससे पहले हम इन्हें रफ कर देते हैं यहां पर, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो यहां पर आप देखिएगा सी ब्रैकेट में एम की जगह क्या रखेंगे, वन, तो वन का स्क्वायर यहाँ पर आपके वन वन हो जाएगा, उसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री, माइनस में यहाँ पर वन रखेंगे तो ये फोर, यहाँ पर माइनस वन, फिर प्लस का यहाँ पर वन रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्री, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं हम। उसके बाद क्या होगा, माइनस एम की जगह वन रखेंगे और यहाँ पर प्लस टू इक्वल जीरो, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इससे आपकी सी की वैल्यू आएगी तो क्या होगा, ये अपन माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव और माइनस फाइव प्लस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस टू, तो क्या हो जाएगा, माइनस टू सी हो जाएगा। यहाँ पर थ्री और ये टू, फाइव और फाइव माइनस सेवन क्या हो जाएगा, माइनस टू, यहाँ पर आपके आ जाएगा इक्वल जीरो। इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस टू को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सी प्लस वन इक्वल आपके जीरो आ जाता है। ऐसे ही कल भी हुआ था आपके, और माइनस टू इक्वल टू के उधर जाएगा तो जीरो जाएगा, तो सी प्लस वन इक्वल टू जीरो, और वन क्या जाएगा उधर जाएगा तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो सी की वैल्यू क्या निकल के आई है आपकी, माइनस वन निकल के आई है। अब हमारी जो टेंजेंट की इक्वेशन यानी स्पर्श रेखा की समीकरण है उसमें हमें रख देते हैं, जो कि क्या होती है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, उसमें हमें इन दोनों वैल्यू को रख देते हैं। तो क्या आएगी, y इक्वल टू एम की जगह क्या आ रहा है, वन, तो वन को x से मल्टीपल करेंगे तो x आ जाएगा, c की जगह क्या है, माइनस वन। तो यहाँ पर ये आपकी क्या निकल के आ चुकी है, एस एम टोर्स निकल के आ चुकी है, यानी अनंत स्पर्शी आ जाती है। अब हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पर जो x है इसको इधर ले आते और इस माइनस वन को भी इधर ले आते इक्वल टू के, तो इनके साइन बदल जाएंगे इक्वल जीरो। तो ये क्या होती है, आपकी एस एम टोर्स निकल के आ जाती है, यानी अनंत स्पर्शी आपकी आ जाती है। अभी तो एक एस एम टोर्स आई है, अभी हमें क्या निकालना होगा, दो एस एम टोर्स अभी वो निकाल के हमें बताना है। पहले हम इसे यहाँ पर रफ कर देते हैं इधर। अब हम किस पे निकालेंगे, m इक्वल टू माइनस वन पे निकालेंगे। अभी तो हमने m इक्वल टू वन पे निकाला है, वैसे माइनस वन पे निकालेंगे, उसके बाद हम टू पे भी निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा m इक्वल टू माइनस वन पर, तो यहाँ पर माइनस वन रखेंगे, माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है आपके, प्लस वन ही होता है, तो यहाँ पर सी थ्री आ जाता है। यहाँ पर माइनस वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का फोर, तो ये माइनस वन, फिर प्लस माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके, वन ही हो जाएगा, तो यहाँ पर ये थ्री आएगा,
यहाँ पर हम माइनस वन रखेंगे तो ये प्लस का सेवन हो जाएगा आपके, और यहाँ पर ये प्लस का टू। आपको बिल्कुल साइन का ध्यान रखना है वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे इसे सॉल्व कीजिए, थ्री प्लस फोर क्या हो जाएगा सेवन, सेवन माइनस वन सिक्स हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सिक्स सी यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा थ्री प्लस सेवन टेन, टेन और टू ट्वेल्व आपके हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सिक्स सी ये प्लस का ट्वेल्व उधर जाएगा तो माइनस का ट्वेल्व हो जाएगा आपके, और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ट्वेल्व अपॉन सिक्स आपके यहाँ पर आ जाता है। और जब आप इसे सॉल्व करते हैं सिक्स में ट्वेल्व कितने टाइम्स आएगा, टू टाइम्स, तो सी इक्वल टू माइनस टू आपके आ जाता है। अब इसे हम किस में रख देते हैं, स्पर्श रेखा की जो समीकरण यानी टेंजेंट की इक्वेशन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। तो y इक्वल टू एम की जगह क्या आ रहा है माइनस वन, माइनस वन को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स, सी की जगह क्या आ रहा है माइनस टू। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, y इक्वल टू यहाँ पर आप देखेंगे माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस का x, और माइनस टू इधर आएगा तो यहाँ पर प्लस का टू। आप देख सकते हैं ये क्या आ चुकी है आपकी इक्वेशन निकल के आ जाती है, जो कि आपकी एस एम टोर्स आती है यानी अनंत स्पर्श यहाँ पर आ जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद ही यहाँ पर थर्ड है आपके m इक्वल टू, हमें क्या रखना होगा टू हमें रखना होगा, तो हम m इक्वल टू अब टू रखते हैं, तो m इक्वल टू टू पर, तो यहाँ पर आपको सिंपली रख देना है सी। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में m की जगह क्या आएगा टू आएगा, टू का स्क्वायर क्या होता है फोर, और फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व, हम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए। उसके बाद में यहाँ पर m की जगह क्या रखेंगे टू, तो फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एट आपके आ जाता है। फिर यहाँ पर ये क्या आ जाएगा माइनस का वन आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर इससे सॉल्व कीजिए एम की जगह क्या रखेंगे टू, टू का स्क्वायर क्या होता है फोर, और फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व, और वैसे यहाँ पर होगा यहाँ पर टू टू रखेंगे एम की जगह, और टू को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का फोर्टीन आ जाता है, और ये प्लस का टू और इक्वल जीरो के हो जाता है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए सी, यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्वेल्व माइनस माइनस एट और माइनस वन माइनस नाइन, और माइनस नाइन प्लस ट्वेल्व क्या हो जाएगा आपके थ्री आपके आ जाता है। तो इसे हम क्या लिख देते हैं थ्री सी यहाँ पर आपके आ जाएगा, और ये 12 और 2 14, 14 माइनस 14 जीरो, तो यहाँ पर 3 सी इक्वल टू क्या आ जाता है आपके जीरो, और यहाँ पर 3 उधर हो जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, यानी सी की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है आपकी जीरो निकल कर आ जाती है। अब हमारी जो स्पर्श रेखा की समीकरण यानी टेंजेंट की इक्वेशन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें हम रख देते हैं एम की जगह क्या है टू, टू को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स आ जाएगा, और सी की जगह आपको जीरो रखेंगे तो वाई इक्वल टू क्या आ जाता है टू एक्स आपके आ जाता है। अब क्या करते हैं टू एक्स को इधर ले आते हैं तो वाई माइनस टू एक्स इक्वल जीरो। अब आप देख सकते हैं ये भी हमारी इस क्या निकल के आ जाती है एस एम टोर्स यानी अनंत स्पर्श निकल के आ जाती है। और यहाँ पर कितनी अनंत स्पर्श आती है एक दो तीन, क्योंकि हमारी यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री की आती है आपकी थ्री थी, तो थ्री एस एम टोर्स आपके आनी थी अनंत स्पर्श आनी थी जो कि निकल कर आपके आ जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जो आपके क्वेश्चन से आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 नंबर में आपके पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना होती है, काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 4 है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफी बार पूछ लिया गया है। तो ये यहाँ पर देखिएगा, इसे बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है कि फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व यानी निम्न वक्र की अनंत स्पर्श ज्ञात करनी। इक्वेशन क्या दी हुई है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस फोर वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, यहाँ पर ये हमें इक्वेशन दी हुई है और इसमें हमें अनंत स्पर्श यानी एसिम्प्टोट्स हमें फाइंड करनी होती है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ पर पहले देखना होता है कि इसमें समानता अनंत स्पर्श यानी जो पैरेलल एसिम्प्टोट्स है वो इसमें एग्जिट करती है या नहीं करती है, ठीक है, यानी विद्यमान होती है या नहीं होती। तो आप देखेंगे सबसे पहले x की अधिकतम घात यानी x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहां पर x क्यूब है, इसका कोफिशिएंट यानी इसका गुणांक क्या है 1 है, 1 तो कैसा होता है अचर यानी कांस्टेंट, तो इसमें तो आपकी एसिम्प्टोट्स एग्जिट नहीं करती यानी अनंत स्पर्श विद्यमान नहीं होती। वैसे y की देखना होगा, y की अधिकतम घात क्या है 3, और इसका कोफिशिएंट यानी इसका गुणांक क्या है -4, और -4 भी कैसा होता है आपका अचर होता है यानी कांस्टेंट, तो इसमें भी आपकी पैरेलल एसिम्प्टोट्स है यानी अनंत स्पर्श समांतर वो आपकी विद्यमान नहीं होती यानी एग्जिट नहीं करती। तो इसमें आपको थ्योरी लिख देनी है, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखाई थी कि x व y की अधिकतम घात का गुणांक अचर है, अतः x व y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्श विद्यमान नहीं होती है। और इंग्लिश में भी आपको लिख देना है द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ x एंड y इज अ कांस्टेंट सो द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एंड y एक्सिस डज नॉट एग्जिट, ये आपको लिख देनी है। इसमें हम नहीं लिखा रहे, आपको जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखाया था वैसा वैसे यहां पर आपको थ्योरी लिख देनी है, इसको जरूर लिखना है आपको, ठीक है। तो और यहां पर आप देखिएगा, अब इसमें अगर समांतर अनंत स्पर्श यानी जो पैरेलल एसिम्प्टोट्स है वो विद्यमान नहीं होती एग्जिट नहीं होती, तो इसमें कौन सी होगी तिर्यक अनंत स्पर्श होगी, कौन सी होगी तिर्यक अनंत स्पर्श होगी यानी ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स आपके होने वाली है। ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की जगह तो हमें रखेंगे वाई, और यहां एक्स की जगह तो रखेंगे वन, और वाई की जगह क्या रखेंगे हम एम रखने वाले, एक्स की जगह वन और वाई की जगह एम रखने पर
ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा ऑन पुटिंग x इक्वल टू वन एंड y इक्वल टू m, यहाँ पर आपको लिख देना है। अब यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले क्या है, यहाँ पर पावर देखनी होगी, यानी इसकी टर्म की यहाँ पर कितनी डिग्री है, तो यहाँ पर देखेंगे इसकी कितनी डिग्री है, यहाँ पर 3 है, इस पूरे पर ओवरऑल आपको देखनी होती है, तो इस पर 2 है, उस पर 1 है, तो टोटली कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर भी वाई की देखेंगे तो ये 3, अब यहाँ पर एक्स की 1 आ जाती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी डिग्री का होता है, आपके 3 डिग्री का होने वाला है, 3 टर्म का होगा। अब ये देखिएगा ये 1 और इसकी भी 1 आ रही है, तो ये कितना होगा, ये 1 यहाँ पर आपका टर्म का होगा, और ये कितना होगा 0 टर्म का यहाँ पर आपके होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं आ रही, तो ये 0 टर्म का यहाँ पर होने वाला है। तो आपको लिखना है सबसे हाईएस्ट टर्म क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 5 3 होगा m। अब यहाँ पर आपको क्या रखना है, इस पूर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि 3 टर्म का है आपके, इसमें आपको x की जगह तो 1 रखना है और y की जगह क्या रखना होगा, m रखना होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आप जितने ज़्यादा इसके क्वेश्चंस करेंगे आपको ये मेथड काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगने वाला है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आप थोड़ी देर में आप इसे सॉल्व कर देंगे, बस इसमें सबसे ज़्यादा जरूरत है प्रैक्टिस, इसलिए हम आपको जल्दी क्लासेस में और भी क्वेश्चंस आपको देंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स की जगह 1 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा आपके 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, फिर प्लस आप देखेंगे x की जगह क्या आएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर और यहाँ पर m, तो यहाँ पर सॉल्व होएगा तो क्या हो जाएगा 3m आपके हो जाएगा, फिर यहाँ पर m रखेंगे तो m क्यूब, तो ये माइनस का 4m क्यूब आपके हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसको ऑर्डर में यहाँ पर जमा लेते हैं हम, यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर आपको पता है हाईएस्ट डिग्री आगे लिखते हैं, जो इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री का है 3, इसको आगे लिख देते हैं माइनस एम माइनस 4m क्यूब, फिर यहाँ पर प्लस 3m वाले को लिखते हो, लास्ट में हम प्लस m यहाँ पर लिख देते हैं, तो इस प्रकार से हमने इसे यहाँ पर रख दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा 5 2, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 पावर का तो कोई सा भी नहीं आ रहा, कोई सी भी टर्म नहीं आ रही, तो 5 2 हमारा क्या निकल के आ जाएगा 0 आपके आ जाता है, 5 2 क्या होगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है 5 1, 5 1 क्या है आप देखिए, 5 1 आप देखेंगे तो यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो माइनस 1 और y की जगह m रखेंगे तो प्लस का m आपके आ जाता है, ओके। और फिर है 5 0 यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो 5 0 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर आपके, यानी कोई भी टर्म नहीं है तो वो हो जाता है आपका 3 यहाँ पर निकल कर आ जाता है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया है, ओके। अब यहाँ पर जो हम स्टेप कराने वाले उसे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, तभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है बाकी क्वेश्चन से, और इस प्रकार के क्वेश्चन से यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, यही वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो अब यहाँ पर क्या करने पड़ेगा, हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 5 3 m है, तो इसको हमें इक्वल टू 0 रखना होता है, 5 3 m इक्वल टू हम यहाँ पर 0 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है वैल्यू आप देखिएगा 5 3 m की, माइनस 4m क्यूब प्लस 3m और प्लस का 1 इक्वल 0 यहाँ पर आ जाता है, ओके। अब आप देखेंगे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्यूब वाला दे रखा था, त्रिघात समीकरण दे रखी थी, तो उसमें हमने क्या करता है कॉमन लेके हमने उसके m की 3 वैल्यू आपकी निकल के आ गई थी, यहाँ पर 3 पावर दी हुई है हाईएस्ट, तो इसके m की वैल्यू भी कितनी निकलेगी, 3 निकलेगी, लेकिन आप यहाँ पर कॉमन लेके देख लीजिए आपकी यहाँ पर m की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो उसमें हमें किस प्रकार करना होता है उसे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक ऐसी वैल्यू सोचनी है जिससे ये पूरी टर्म है वो क्या हो जाए 0, क्योंकि इक्वल टू 0 हो रही है, तो ऐसी एक वैल्यू है जिस पर यहाँ पर हम मान रखते हैं, तो मान क्या आ जाता है हमारा 0 आ जाता है, यानी इसको सेटिस्फाई कर देता है यहाँ पर, तो वो वैल्यू कौन सी होगी, 1 होगी। आप अगर m की जगह क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, यहाँ पर हम 1 रख के देखते हैं, पहले हम आपको यहाँ पर रफ समझा रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे 1 रखेंगे 1 का क्यूब यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 4 है, ये यहाँ पर इससे 1 3 से मल्टीप्लाई आएगा तो प्लस 3 और ये प्लस का 1, इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 4 और इनको ऐड करेंगे माइनस 4, ठीक है, प्लस का 4, तो ये क्या हो जाएगा आपके 0, और देख सकते हैं आप यहाँ पर ये 0 आपके आ रहा है, तो यानी ये m इक्वल टू 1 पे इसे सेटिस्फाई कर रही है। तो हम यहाँ पे इसे इस प्रकार लिख सकते हैं m माइनस 1, क्योंकि 1 इधर आएगा तो ये माइनस का, तो यहाँ पर हमारा फैक्टर क्या बन के आता है, m माइनस 1 फैक्टर आता है, तो आपकी m की एक वैल्यू तो निकल के आ जाती है m इक्वल टू 1। अभी तो हमें कितनी यहाँ पर चाहिए, और 2 वैल्यू चाहिए m की, क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो हमारे यहाँ पर 3 ही क्या निकलेगी, m की वैल्यू निकलने वाली है, लेकिन अभी तो 1 ही आई है, तो इसी की मदद से अभी हम 2m की वैल्यू और निकालने वाले, तो इसको आपको अच्छी तरह से समझना है, पहले इसे थोड़ा रफ कर देते हैं जो रफ वर्क हमने बताया आपको। तो अभी यहाँ पर आपने देखा m इक्वल टू, तो क्या आया यहाँ पर 1 आया है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं m माइनस 1, यहाँ पर जो m इक्वल टू 1 था तो m 1 को इधर लिया है, तो m माइनस 1 आपके फैक्टर बन जाता है। तो अब इस फैक्टर की मदद से आपको पहले ये इक्वेशन बनानी होगी, क्या करना है, या अभी यहाँ पर इन फैक्टर की मदद से हम ये इक्वेशन यहाँ पर बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि m माइनस 1 है, ठीक है। अब m माइनस 1 में आप देखेंगे सबसे पहले हमें क्या बनाना है, माइनस 4m क्यूब बनाना है, तो हम यहाँ पर बाहर किससे मल्टीपल करें जिससे माइनस 4m क्यूब बन जाए, जी आपने बिल्कुल सही कहा, इससे किससे करेंगे, माइनस 4m स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे, किससे करेंगे, माइनस 4m स्क्वायर से मल्टीपल करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर माइनस 4m स्क्वायर को अगर हम m से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 4m क्यूब बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, आप देख सकते हैं माइनस 4m क्यूब बन जाता है। अब यहाँ पर माइनस 4m स्क्वायर, इसको भी तो माइनस 1 से मल्टीपल करना होगा, तो करते हैं, तो
क्या आ जाएगा, प्लस का 4m स्क्वायर आपके आ जाता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर प्लस 4m स्क्वायर तो यहाँ पर कहीं नजर ही नहीं आ रहा, ये तो एक एक्स्ट्रा चीज आ गई। अब एक्स्ट्रा चीज आई उसको हमें हटाना भी पड़ेगा। अगर आपको प्लस का 4m स्क्वायर हटाना है तो क्या लाना होगा आपको, माइनस का 4m स्क्वायर लाना होगा, तभी तो ये हटने वाला है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ये m माइनस 1 फैक्टर था, इसे एक बार दोबारा हम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप बताइए कि बाहर हम किससे मल्टीपल करें जिससे हमारा माइनस फोर एम स्क्वायर आ जाए। तो आप कहेंगे कि सर अगर हम माइनस फोर एम से मल्टीपल करें तो हमारा माइनस फोर एम स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, माइनस फोर एम को एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस फोर एम स्क्वायर आ जाएगा और ये कट हो जाएगा और ये वैल्यू हमारी हट जाएगी। लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ भी आएगी, क्या आएगी कि अब माइनस फोर एम को इस माइनस वन से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का फोर एम आ जाएगा। और अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो फोर एम आ रहा है लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, थ्री एम आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इस 4m को 3m बनाना है हमें। तो 4m को 3m कैसे बनाया जा सकता है, जब इसमें से 1m हम क्या कर दे, माइनस कर दे। तो हम क्या करते हैं, ये फैक्टर है m माइनस 1, इसे हमें दोबारा लेना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बाहर किससे मल्टीपल करें जिससे हमारा माइनस m बन जाए। तो आप कहेंगे कि सर अगर हम बाहर माइनस 1 रख दे तो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 1 को आप अगर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एम आ जाएगा। और 4m में से माइनस यहाँ पर m जाएगा तो आपके क्या आ जाएगा, 3m आ जाएगा। आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3m आपके आ गया। अब ये माइनस 1 है, इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1, और प्लस 1 भी इधर आ रहा है। तो यानी ये पूरी इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है और इधर इक्वल टू 0 हम यहाँ पर लगा देते। तो आप देख सकते हैं कि इससे यहाँ पर हमने इस फैक्टर से ये इक्वेशन यहाँ पर बना दी है और इसी की मदद से आपकी m की जो तीनों वैल्यू है वो अब आपके निकल के आने वाली। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा यहाँ पर समझा देते हैं जिससे जिन स्टूडेंट को थोड़ी दिक्कत आई हो तो यहाँ पर आपको आ जाएगी। और ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हम काफी कराने वाले आपको। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारी ये थी, इसको अगर हम इसमें से कॉमन लेते तो हमारी m की तीन वैल्यू बन के ही नहीं आती। तो हमने देखा किस वैल्यू पे ये m इक्वल टू 0 दे रहा है, तो हमने देखा m इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो ये यहाँ पर इसको इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो m इक्वल टू क्या आया, 1 आया। उस 1 को इधर लाए तो क्या हो गया, m माइनस 1 आपके फैक्टर बन गया। अब इस m माइनस 1 फैक्टर की मदद से आपको ये पूरी इक्वेशन बनानी है। तो इसलिए हमने क्या करा, बाहर माइनस 4m स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाएगा, माइनस 4m क्यूब आ जाएगा। हाँ आ गया, लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज क्या आएगी, प्लस 4m स्क्वायर आएगा। अभी इस एक्स्ट्रा चीज को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, माइनस का 4m स्क्वायर। तो हम यहां पर m माइनस 1 दोबारा ले लेते हैं। माइनस का 4m स्क्वायर बनाने के लिए हमें बाहर किससे मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस 4m से मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस 4m को इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, माइनस 4m स्क्वायर, और ये वैल्यू कट हो जाती है अब, ठीक है। लेकिन ये माइनस 4m इस प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4m बना देगा, और यहां पर क्या दिया हुआ है, 3m। तो 4m को 3m बनाने के लिए हमें क्या लाना होगा, माइनस का m लाना होगा। तो हम यहां पर m माइनस 1 फैक्टर उससे दोबारा ले लेते हैं और बाहर किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस 1 m से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस 1, और 4m में से m जाएगा तो 3m आ जाता है। आप देख सकते हैं 3m आ गया। फिर ये माइनस 1 इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 आपके आ जाता है, और आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है हमारी सेटिस्फाई यहां पर हो जाती है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा था इसे यहाँ पर रफ कर देते हैं। आप चाहिए इसे साइड में उतार भी सकते थे, आपको अगर समझना हो तो। ऐसे भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी m माइनस 1, यहाँ पर भी m माइनस 1, और यहाँ पर भी m माइनस 1। तो हम m माइनस 1 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। m माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस का 4m स्क्वायर, ये माइनस का 4m, और ये माइनस का 1। यहाँ पर आपके आ जाते हैं इक्वल टू 0। जब यहाँ पर आप देखिएगा, अब यहाँ पर नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पर m माइनस 1 और इन तीनों पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो हम माइनस को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस को हटाना चाहते हैं, तो माइनस को हमने कॉमन लिया। जैसे आपके बाहर माइनस कॉमन आएगा उस माइनस को इक्वल टू 0 के उधर भेज देंगे तो हट जाएगा आपके, और ये अंदर जितनी भी वैल्यू वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये प्लस का 4m स्क्वायर, प्लस का 4m, और ये प्लस का 1, और इक्वल टू 0 आपके आ जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे m माइनस 1 को हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो m इक्वल टू 1, जो कि हमने शुरुआत में लिए थे। और अब इसको भी हमें सॉल्व करना होगा। तो आपको इसको द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है कि पहले आपको इस 4 को यहाँ पर इन सबके नीचे सेपरेट भेजना होगा, फिर यहाँ पर जो अंदर यहाँ पर आएगा 4 इसके नीचे हो जाएगा m, m को स्प्लिट करना होगा। इस हिसाब से आपके दो यहाँ पर रूट्स यानी दो मूल निकल कर आपके आएंगे। लेकिन इससे हमें एक आप चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि किसका एक फॉर्मूला टाइप बन रहा है आपका, जो कि है 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है आपके। जैसे आप 2m प्लस 1 के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो आपकी यही इक्वेशन आने वाली है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, m माइनस 1 और 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं अगर इसको ओपन करेंगे आपको तो ये का यही बनेगा। जैसे देखिए 2m का होल स्क्वायर क्या होता है, 4m स्क्वायर, फिर क्या आता है 2ab, ठीक है 2ab। तो 2 को यहाँ पर 2m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m आ गया, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसको ओपन करते तो यही बन जाता है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
और क्या आ जाता है, इक्वल आपके जीरो यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर जो 2m+1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ये कितनी बार लिखा हुआ है, दो बार लिखा हुआ है, तो हम इसे दो बार लिख देते हैं m-1 और ये 2m+1 और ये एक बार दोबारा 2m+1। ठीक है, अब ये m-1 है, इसको इक्वल टू जीरो रखना होगा, m-1 = 0, तो क्या आ जाएगा, m की वैल्यू आ गई एक तो 1। अब यहाँ पर 2m+1 है, इसको भी इक्वल टू जीरो रखते हैं हम, तो ये 2m प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, और m इक्वल टू क्या आ जाएगा, और ये 2 अपॉन में चल जाएगा -1/2। ऐसे यहाँ पर भी करना होगा, वैसा सेम टू सेम आएगा, 2m+1 = 0 और 2m = -1 और m इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2 आपके आ जाता है। तो m की देख सकते हैं आप तीनों वैल्यू आ चुकी है, जो कि क्या आएगी, m = 1, m = -1/2 और m = -1/2। यहाँ पर त्रिघात का समीकरण था, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्यूबिक इक्वेशन थी, तो तीन ही आपके क्या आएंगे यहाँ पर, रूट्स यानी मूल आपके आएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर तीन आपके क्या आए यहाँ पर m की वैल्यू आई है, तो तीन ही क्या आएगी आपकी c की वैल्यू भी आएगी। तो अब हमें यहाँ पर c की वैल्यू निकालनी होगी, c की वैल्यू के लिए मैंने आपको तीन केस बताए थे, वो केस कैसे अप्लाई होते हैं, कि अगर आपके m के मान अलग अलग हो तो उस कौन सा केस अप्लाई होता है, 1 अप्लाई होता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ पर -1/2 आ रहा है, ठीक है, तो यानी केस कैसे हो गए, अलग अलग हो गए, तो इसमें एक तो केस नंबर 1 लगेगा, किसके लिए, 1 के लिए, क्योंकि ये 1 है, इनसे क्या है, अलग है, इसलिए यहाँ पर 1 के लिए क्या लगेगा, m = 1 के लिए केस नंबर 1 लगेगा, जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने अप्लाई करा था। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पर -1/2 और यहाँ पर भी -1/2, यानी दो रूट्स, दो मूल कैसे एक जैसे, और मैंने आपको सेकेंड केस बताया था कि जब दो रूट्स यानी दो मूल एक जैसे हो m1 = m2, तो उस कंडीशन में हमारा कौन सा केस लगता है, केस नंबर सेकंड लगता है। तो यहां पर 1 के लिए तो हम केस नंबर 1 अप्लाई करेंगे, और -1/2 के लिए हम यहां पर केस नंबर सेकंड अप्लाई करने वाले। आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझना है। आप नोट्स बाद में भी बना सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके आए, यहां तक आप यहां पर इससे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है जी। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब यहां पर हम इसे रफ कर देते, इधर का पार्ट हम रफ कर रहे हैं यहां पर, अभी इतने इन इक्वेशन की मदद अभी हमें लगे, इसलिए इसे अभी रफ नहीं करते, ओके। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा, m = 1 के लिए हमारा केस नंबर 1 अप्लाई होगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं m = 1 पर, यानी ऑन m = 1, तो यहाँ पर केस नंबर 1 क्या होता है हमारा, c अपॉन में फैक्टोरियल 1 (5, 3)-m (5, 2)-m = 0, ठीक है। इसमें किस किस वैल्यू की जरूरत है हमें, 5, 3 की जरूरत है, और 5, 3 किससे आएगा, 5, 3 m से आएगा, तो यहाँ पर हमारी लिखी हुई है 5, 3 की वैल्यू, जो कि यहाँ पर क्या है 1+, यहाँ पर इस वाली वैल्यू को लिखते हैं जिसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर आगे है, -4m³+3m+1, ठीक है। इसका अवकलन करना है आपको, यानी डिफरेंशियल करना है, 5, 3 m निकालना है, -4m³ का क्या हो जाएगा आपके, 4 को 3 से मल्टीपल कीजिए, यहाँ पर ये आगे आता है, इसलिए 12 हो जाएगा आपके, और ये m² हो जाएगा, +3m का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका अवकलन तो 0 आपके हो जाता है। अब 5, 2 की यहाँ पर जरूरत है, जो कि क्या है आपके, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 यहाँ पर आ रहा है, तो ये तीन वैल्यू की जरूरत है हमें इस वाले केस नंबर 1 में। और जब हम केस नंबर 2 अप्लाई करेंगे, तो उसमें आपके 5, 1m भी आपके काम आने वाला है। पहले हम इसे यहाँ पर रफ कर देते, आपको उस समय याद रखना है कि 5, 1m की यहाँ पर क्या वैल्यू है, -1+m है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहले c अपॉन में फैक्टोरियल 1 की यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। 5, 3m की क्या आ रही है यहाँ पर, माइनस का 12m² + 3, ठीक है, और प्लस 5, 2m क्या आ रहा है, 0, इक्वल टू 0 आ जाता है। अब यहाँ पर आपको m की जगह क्या रखना है, 1 वैल्यू रखनी है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 को -12 से करेंगे तो -12 आ जाएगा, c इक्वल टू -12+3, प्लस का 0, इक्वल 0 आ जाता है। -12+3 क्या होता है आपके, बताइए, -9 होता है, तो -9 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9c इक्वल 0, -9 उधर जाएगा इक्वल के, तो क्या आ जाएगा, c की वैल्यू 0 आपके आ जाती है। अब हमारी स्पर्शरेखा की समीकरण को होती है, यानी टेंजेंट की इक्वेशन, आपको अच्छी तरह से पता है y = mx + c होता है, इसमें हमें दोनों वैल्यू को रख देना है, m की वैल्यू को, c की वैल्यू, m की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके x ही आ जाएगा,
और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, जीरो। तो हमारे वाई की वैल्यू क्या आती है, एक्स आपके आ जाती है वाई इक्वल टू एक्स। और अब हम एक्स को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा, ये वाई माइनस एक्स इक्वल जीरो। ये क्या आ चुकी है, हमारी एक एसिम्प्टोट निकल कर आ जाती है, यानी एक अनंत स्पर्श निकल के आ जाती है। लेकिन ये क्या आती है, हमारी इसमें हाइएस्ट जो डिग्री है, हाइएस्ट घात है, वो कितनी थी, तीन थी। तो हमारी तीन ही क्या आई इसमें, एसिम्प्टोट यानी अनंत स्पर्श निकल कर आएगी। तो अभी तो हमने यहाँ पर एम इक्वल टू वन पे निकाला था, अब एम इक्वल टू माइनस वन बाई टू के लिए हम निकालने वाले। एम इक्वल टू माइनस वन बाई टू के लिए क्या निकलेगा, आपका सेकेंड नंबर का गैस अप्लाई होगा, और वो केवल एक बार ही आपके अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब से यहाँ पर जो सेकंड नंबर का केस है उसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं m इक्वल टू माइनस वन बाई टू, कौन सा कैप से अप्लाई होगा आपका केस, यहाँ पर सेकंड होगा। तो सी स्क्वायर क्या होता है, केस नंबर सेकंड, मैंने कल के नोट्स में आपको बताया था, आई होप आप सबने याद कर लिए होंगे। ऐसे भी आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। सी स्क्वायर अपन में फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल टू की वैल्यू क्या होती है, टू ही निकल के आने वाली है। फिर होता है आपके फाइव थ्री डबल डैश, यहाँ पर क्या आएगा, डबल डैश का मतलब होता है इसका दो बार क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है, यानी डिफरेंशियल हो रहा है। यहाँ पर जो फाइव थ्री डैश निकल के आया था, इसी का हमें क्या करना होगा, दोबारा अवकलन करना होगा, यानी दोबारा डिफरेंशियल करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा आपके प्लस सी अपॉन में फैक्टोरियल वन, और क्या आएगा फाइव थ्री, यहाँ पर अब क्या आएगा, यहाँ पर ये थ्री पावर का था, तो यहाँ पर अब क्या आएगा, टू आ जाएगा एम, और इसका यहाँ पर दो बार अवकलन हो रखा था, यानी दो बार डिफरेंशियल हो रहा था, तो यहाँ पर क्या आएगा, वन डैश आएगा। फिर प्लस में फैक्टोरियल, अब यहाँ पर टू से और कम हो जाएगा, यानी वन एम इक्वल टू जीरो आपके यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब जितने भी टर्म्स हैं उन्हें हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा। सबसे पहले फाइव थ्री डैश डबल डैश की जरूरत है, पहले इन सभी वैल्यू को यहाँ पर लिख लीजिए, जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है। सभी स्टेप को लिखना काफ़ी ज़्यादा जरूरत रहता है, मैंने पहले भी बताया है इसका काफ़ी सारे, जब आप एग्जाम में यहाँ पर करके आएंगे तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेंगे तो उसमें जितने भी आपकी टर्म्स लिखी हुई है उससे आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांस बने रहते हैं, ठीक है। तो फाइव थ्री डैश की यहाँ पर देखिएगा वैल्यू क्या है, यहाँ पर अभी हमने निकाली थी माइनस ट्वेल्व एम स्क्वायर प्लस थ्री, इसका क्या कर देना है, हमें डबल डिफरेंशियल कर देना है, डबल इसका यहाँ पर हमें इसका अवकलन कर देना है, डबल डैश आ गया। टू को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ट्वेंटी फोर एम आगे आ जाता है, और ये थ्री तो एक क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो इसका अवकलन तो जीरो आपके हो जाएगा, जीरो को लिख भी सकते हो नहीं भी, ठीक है। उसके बाद क्या है हमें जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर फाइव टू डैश की जरूरत पड़ेगी, फाइव टू क्या दे रखा था, इधर जीरो दे रखा था, तो फाइव टू डैश एम भी क्या आएगा हमारा, जीरो ही आएगा, ठीक है। फाइव यहाँ पर आपके वन क्या था आपको अच्छे से पता है, मैंने उस दर रफ करते समय कहा था कि आपको याद रखना है, और आपके नोट्स में लिखा हुआ भी है, जो कि क्या है माइनस वन प्लस एम है, आपके क्या है माइनस वन प्लस एम, जो कि हमने शुरुआत में ही निकाला था। तो अब इन सभी वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं सिंपली, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर देखेंगे आप, पहले क्या आया था सी स्क्वायर अपन में फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल टू की वैल्यू क्या होती है, टू ही आपकी होती है। फाइव थ्री डबल डैश, डबल डैश हमारे क्या निकल के आया, माइनस का ट्वेंटी फोर एम आया आपके। उसके बाद प्लस सी फैक्टोरियल वन है, इसे हम लिख भी सकते हैं नहीं भी। फाइव टू डबल, फाइव टू डैश की वैल्यू क्या आई है, जीरो आई है, तो इधर हम क्या लिख देते, पूरा ही आपका जीरो हो जाएगा। फिर प्लस में आप देखेंगे फाइव वन की क्या वैल्यू आई है, माइनस वन प्लस एम, तो इसे यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस वन प्लस एम इक्वल क्या आ जाता है, जीरो आपके आ जाता है। अभी इधर सॉल्व कीजिए, अब यहाँ पर आपको एम की जगह क्या रखना है, जहाँ पर भी एम है वहाँ पर माइनस वन बाई टू आपको रखना होगा। तो सी स्क्वायर अपॉन में टू, फिर यहाँ पर माइनस का ट्वेंटी फोर, और m की जगह क्या रखना है, माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू रख देते ब्रैकेट में। फिर यहाँ पर देखेंगे प्लस, इस जीरो को हटा देते हैं, और यहाँ पर क्या है माइनस वन, और यहाँ पर m की जगह भी क्या आएगा, माइनस वन बाई टू। तो यहाँ पर जैसे m की जगह माइनस वन बाई टू आएगा, तो वह प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का वन बाई टू आपके यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद इसे सॉल्व कीजिए, तो टू से ये ट्वेंटी फोर कितने टाइम्स कट हो जाएगा आपके, ट्वेल्व टाइम्स आपके यहाँ पर कट हो जाता है, और ये टू इस ट्वेल्व से कितने टाइम्स कट हो जाएगा, सिक्स टाइम कट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, सिक्स सी स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है, ओके। और इसे सॉल्व करेंगे माइनस वन और माइनस वन बाई टू को, तो क्या आ जाएगा आपके, माइनस का थ्री बाई टू आपके आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इक्वल जीरो। फिर सिक्स सी स्क्वायर माइनस का थ्री बाई टू उधर जाएगा, तो ये प्लस का थ्री बाई टू हो जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो सिक्स है वो अपॉन में उधर चल जाएगा, थ्री बाई टू और मल्टीप्लाई सिक्स, ठीक है। अब इन्हें कट कीजिए तो आप देखिएगा किस प्रकार से होगा ये, तो थ्री की टेबल में ये वन टाइम और थ्री की टेबल में टू टाइम, यानी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है आपके, वन बाई फोर आ जाती है। सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, वन बाई फोर आ जाती है, और स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, प्लस माइनस का वन बाई टू, क्या आएगी, सी इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई टू। अब इसमें आप यहाँ पर देखेंगे सी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, दो वैल्यू निकल के आई है, तो प्लस का वन बाई टू एक, माइनस का वन बाई टू आई है। तो अब हमें क्या करना होगा, दो जो हमारी एसिम्प्टोट्स निकालनी है उसमें हम क्या करेंगे,
जाएंगे कि m की वैल्यू तो आपकी एक ही दे रखी है माइनस वन बाई टू और एक और है माइनस वन बाई टू, ठीक है, लेकिन c की वैल्यू आपकी दो निकल के आएगी, तो एक बार आपको तो प्लस वन बाई टू रख के देखना है और एक बार माइनस वन बाई टू रख के निकालना है, इससे आपकी दो एसिम्प्टोट्स निकल के आ जाएगी। पहले हम यहाँ पर इधर वाला रफ कर देते तो आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, अब इसे हम रफ कर देते। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप दो पार्ट होंगे इसके, पहला तो क्या होगा कि अगर m इक्वल टू क्या हो माइनस वन बाई टू जो कि दोनों तरफ ही रहेगा, और c इक्वल टू क्या हो प्लस का c इक्वल टू वन बाई टू हो, और यहाँ पर एक और केस बनेगा आपके, यहाँ पर अगर m की वैल्यू तो माइनस वन बाई टू ही है और c की वैल्यू क्या हो माइनस का वन बाई टू, क्योंकि c की वैल्यू दो निकल के आई है, तो दो केस यहाँ पर आपके अप्लाई हो गए, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, स्पर्शरेखा की समीकरण y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, यहाँ पर भी वही आएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ये तो y इक्वल टू एम की वैल्यू क्या है माइनस वन बाई टू रख देते इसमें, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का x बाई टू हो जाएगा, और c की वैल्यू क्या है प्लस का वन बाई टू, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये टू क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम लेके इसे हम क्या कर देंगे उधर यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे यानी वज गुणा कर देंगे, तो ये y के पास चल जाएगा, क्या हो जाएगा टू वाई इक्वल टू ये क्या बच जाएगा माइनस एक्स प्लस वन बच जाएगा आपके, और इन दोनों वैल्यू को इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा टू वाई माइनस एक्स इधर आते प्लस का और प्लस वन आते उधर माइनस का, तो आप देख सकते हैं ये हमारी सेकेंड एसिम्प्टोट्स यानी सेकेंड अनंत स्पर्शी यहाँ पर निकल के हमारी आ जाती है। तो वैसे यहाँ पर भी होगा वाई इक्वल टू एम की जगह क्या आएगा माइनस का वन बाई टू, और वो एक्स से मल्टीप्लाई होगी माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा, सी की जगह क्या आएगा माइनस का वन बाई टू। अब टू और टू का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम इस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा टू वाई आ जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन आपके आ जाता है। अब ये जो दोनों आए इसको इधर इक्वल टू किधर ले आएंगे टू वाई माइनस एक्स इधर आते प्लस का एक्स माइनस वन उधर आते प्लस का वन, ठीक है, इक्वल टू जीरो, और आप देख सकते हैं ये सेकंड एसिम्प्टोट्स भी हमारी निकल के आ जाती है। जब हमने m इक्वल टू वन पे निकाला था तो उस समय हमारी एक एसिम्प्टोट्स निकल के आई थी, और m इक्वल टू माइनस वन बाई टू पे ये दो हमारी एसिम्प्टोट्स यानी अनस्पर्श निकल कर आ जाती है। यानी इस क्वेश्चन में हमारे टोटल कितनी एसिम्प्टोट्स निकल के आती है, तीन एसिम्प्टोट्स यानी तीन अनंत स्पर्श निकल कर आ जाती है, और ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि आपके 10 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके काफी आने के चांस भी बने रहते हैं, तो इसको आपको एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेनी है, इसकी अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है, जैसे आपकी क्लास कंप्लीट होती है उसके तुरंत बाद इसको समझ के आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में बिना प्रैक्टिस के आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, ये आपको अच्छी तरह से पता है। इसलिए जैसे आपकी यहाँ पर ये क्लासेस कंप्लीट होती है, हाफ चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, या तो वीकली संडे के संडे हम आपकी क्लासेस यहाँ पर जो टेस्ट है वो अपलोड कर देंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो पाए। सबसे पहले इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये आज की क्लास थी, आई होप आपको पसंद आई होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, और जिन भी स्टूडेंट अभी तक भी जो ऐप है AI स्टडी गैंग के नाम से उसे डाउनलोड नहीं कराए तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, कुछ दिनों आपकी और यहाँ पर क्लासेस चलेगी, एक दो दिन और आपकी YouTube पे क्लास चलने वाली है, उसके बाद जितनी भी क्लास होगी हमारे ऐप पर होने वाली है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में भी हम त्रियक अनंत स्पर्श यानी ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स के क्वेश्चन करने वाले, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप नेक्स्ट क्लास में बने रहेगा, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।